आपसे बात करके गई थी वो वाला नहीं, वो ड्राई भी हो गया है। वो पुराना चल जाता है, नया आता है। इसको उसको स्पेशल केयर लेना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, वीक में एक बार धूप में लगा के थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। इंडोर कम्प्लीटली इंडोर रखने का लायक है ना वो? कम्प्लीट बार तो वो वीक में एक दिन धूप में लगा। एक दिन रखना है वहाँ। ओके, प्लांट ली थी भैया, तो कुछ स्पेशल केयर लेना होता है क्या? क्योंकि लास्ट टाइम धूप में लगाना है, पानी कम लगाना है। लास्ट टाइम ली थी पूरा ज्यादा दिन तक नहीं टिकाई। धूप में लगाना है पूरा, धूप ही रखना पूरा। वीक में एक दिन, तीन दिन में एक दो दिन ऐसा, ज़्यादा धूप। एक कितने का है? 120 वाला, 150 से। हाँ, कुछ डिफरेंट कलर का लो, जैसे येलो रोज। येलो रोज? हाँ, येलो अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ब्राइट नहीं लग रहा। व्हाइट नहीं तो ये वाला, ये जो ये वाला पिंकिश थोड़ा आ रहा है और व्हाइट भी थोड़ा आ रहा है, थोड़ा डिफरेंट कलर लग रहा है ना। ये वाला देखो, वो वाला देख, ये वाला भी देखो, थोड़ा पिंकिश आ रहा है, व्हाइट भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। रेड वाला मम्मी ये वाला प्लांट ले रहे हैं और ये वाला प्लांट भी ले रहे हैं, और मैं आपको एक प्रोफेशनल शूट अभी दिखाऊंगी। और सॉइल मिक्स, ये प्लांट्स लेके आई हूँ अभी। मेरा मतलब देखते हैं कि जैसे कि ये पूरा सूख गया है, मुझे इसको थोड़ा इसका सॉइल चेंज करना है। लास्ट टाइम चेंज करने वाली थी लेकिन वो उस मेरे पास सॉइल मिक्स नहीं था, ख़त्म हो गया। नर्सरी जाके पूछे तो वहाँ भी नहीं था अवेलेबल, लेकिन फॉर्चुनेटली आज जाके मिला मुझे सॉइल मिक्स। तो आज हम आए हैं, मैं इसका अभी सॉइल चेंज करने वाली हूँ। ये सारे प्लांट्स अपने आप ही उठे हैं, मैं कुछ नहीं लगाई हूँ, जो लगाई थी अभी। ये सारे प्लांट्स का मैं सॉइल चेंज करने वाली हूँ। ये एक्स्ट्रा सॉइल है मेरे पास, लेकिन ये मैं फेंकने वाली हूँ, ये कब का हो गया है। और आज मैं फ्रेश सॉइल लेके जो आई हूँ, सॉइल मिक्स नर्सरी से, वो अभी डालने वाली हूँ ये सारे पौधों में। तो मैं ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगाई हूँ जैसे कि देख सकते हैं, क्योंकि इतना स्मॉल एरिया है और बड़ा बड़ा पॉट्स रख दिया हूँ, मतलब इसलिए जगह ऑक्यूपाई कर दिया है। और प्लांट्स कहीं भी लगाते हैं ना, सनलाइट ठीक से आना चाहिए। मुझे इस तरफ इतना अच्छे से सनलाइट नहीं आता है, ये बालकनी में नहीं गिरता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा प्लांट्स पौधे नहीं लगाई हूँ यहाँ। और ये मेरा कब से लाने को मन था, मैं जब भी जहाँ भी पूछती थी, इसका पत्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन इस लास्ट टाइम भी गई थी लेकिन ला नहीं पाई, इसलिए आज जाके मैं ले आई। मुझे ये प्लांट बहुत पसंद है, मुझे कब से देख रही थी ये हार्ट शेप्ड लीफ प्लांट लाने के लिए, तो आज मुझे मिल गया, आज मैं लगाऊंगी। इतने पत्ते तो नहीं हुए हैं लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके ये पत्ते हो जाएंगे। इसका अच्छे से केयर लेंगे तो अच्छे से केयर लेने से ये अच्छे पत्ते आएंगे, तो देखते हैं। तो मैं शुरू करूंगी अभी मेरा ये गार्डनिंग, स्मॉल छोटा सा गार्डन को आज थोड़ा सा मतलब प्लांट्स का केयर लेते हैं। गार्डनिंग मतलब डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं, खाली ये पौधों को थोड़ा न्यूट्रिएंट्स दे दूँ, फूड दे दूँ, वो सॉइल फूड, ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से ग्रो हुए। ये जो मिट्टी है पहले मैं इसे निकाल दूंगी इसमें से, आज जो फ्रेश मिट्टी लाई हूँ वही मिट्टी अभी इसमें देने वाली हूँ। तो सॉइल में तो ऑलरेडी काउडंग मिला हुआ है, फिर भी मैं ये थोड़ा ऑर्गेनिक मैन्योर दे रही हूँ, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अब ये मयूरपंख वाला पौधे मैं लगा दूँ, ये मैं क्रिसमस में लाई थी लेकिन पता नहीं ये इसे ड्राई क्यों हो गया, होप कि ये बच जाएगा। अब लगा देंगे ये जेड प्लांट।
मैं जब भी कोई पौधा लाती थी मैं उसका सॉइल इमिडिएटली चेंज नहीं करती थी, क्योंकि वो सॉइल जो जिसमें वो ग्रो होता है वो उसे और न्यू सॉइल डालने से वो थोड़ा अडप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं कभी भी इमिडिएटली चेंज नहीं करती थी। लेकिन इस बार मैं क्या सोच रही हूँ कि डायरेक्टली पॉट में लगाऊंगी, वो ओल्ड सॉइल के साथ थोड़ा न्यू सॉइल मिलाकर लगाऊंगी। अभी नहीं करूंगी, बाद में करूंगी सोचकर जब भी पौधा रख देती हूँ ना वो ख़राब हो जाता है, इसलिए सारे पौधे मैं पॉट में लगाऊंगी, लेकिन जो ओल्ड सॉइल न्यू सॉइल मिक्स करके ही लगाऊंगी। और ये पॉट मैं इधर रखूंगी और बीच बीच में इसे मैं सनलाइट दूंगी, क्योंकि पौधे चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो सनलाइट चाहिए होता है। तो इंडोर प्लांट्स भी कम्प्लीटली इंडोर नहीं होता है, उसे भी सनलाइट चाहिए होता है, और बीच बीच में इंडोर प्लांट्स को बाहर रखना चाहिए वीकली एटलीस्ट वंस और ट्वाइस। और ये पौधा मैं इंडोर रखने वाली हूँ और बीच बीच में जैसे कि वीकली वंस और ट्वाइस मैं इसे बाहर रखूँगी बालकोनी में, ताकि ये उसे भी थोड़ा सनलाइट मिले। ये हाइबिस्कस प्लांट में मिलीपेड लग गए हैं, तो इसलिए मैं एक सॉल्यूशन बनाकर इसे स्प्रे कर रही हूँ। और ये रहा इसका कंप्लीट लुक, अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसे रख दिया हूँ और देखते हैं ये कैसा ग्रो करता है अभी। ऐसे गार्डनिंग रिलेटेड कोई भी टिप्स हो आपके पास तो आप कमेंट्स पे जरूर लिखिए। जाने से पहले मैं आज आपको और एक वीडियो दिखाऊंगी जो मेरी मम्मी भेजी है गांव से। ये हमारा घर का पिछवाड़ा का नज़ारा है। हमारा घर का पिछवाड़े में एक कटहल का पेड़ है और वहाँ इतने सारे कटहल हुए हैं, देखकर मन भर गया और मन कर रहा है अभी जल्दी जल्दी गांव जाने के लिए और ये कटहल सब खाने के लिए। अगर आपको कटहल पसंद है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और कोयल की आवाज़ सुन रहे हैं आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।